अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। और आज हम बनाएंगे ब्राइडल जो है सेट होता है उसके बारे में। सही है, उसके वो पूरा सेट कंप्लीट करेंगे, हाफ हाफ करके हम करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और इतने जिस तरह ही मैंने अभी ये मून जो है वो खुद से ही ट्रेस करा है इसको, और उसके बाद मैं नग रख कर जो है ना उसको बिल्कुल इक्वल ले रही हूँ, ताकि हमारे पूरे पूरे नग जो है ना उसके अंदर पूरे एडजस्ट हो जाएं और अच्छे लगे, खूबसूरत लगे ना। जिस तरह मैंने ये इस तरह से सारे बनाए हुए हैं, इस तरह से सारे लग जाएं। और जो है ना फिर मैं इसको ट्रेस करके पेंसिल से या पेन से, आप जो आपको पेंसिल से ये होता है अगर हमारे गलत ट्रेस हो जाते हैं ना तो हम इसको मिटा सकते हैं, और पेन से ऐसा होता है ना कि गंदगी मच जाती है, मिटा नहीं सकते हम फिर। अच्छा, उसके साइडों पे आउटलाइन जो हमने पेंसिल से करी हुई है उसके साइडों पे हम ग्लू लगाएंगे, एक मिनट का वेट करेंगे, और उसके बाद जो है हम अपना दबका जो है ना उसके आउटलाइन के ऊपर यूँ ही चिपकाते जाएंगे, तो इससे फिनिशिंग आ जाती है। अगर आप गीले ग्लू के ऊपर लगाएंगे ना तो ये दबका जो है ना हिलता बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा चुलबुला होता है तो ये ना बहुत ज़्यादा हिलता है, इसको एडजस्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से हम थोड़ा सा, जैसे अभी ये थोड़ा गीला था ना तो मैंने इसमें लगाया, तो देखिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है इसको एडजस्ट होने में ना। एक मिनट तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, 6-8-9 सेकंड के लिए आप छोड़ दें, थोड़ी देर के लिए आप जैसे इस तरह 8-9 सेकंड्स के लिए ना छोड़ देंगे आप, फिर उसके बाद जो है ना आप आउटलाइन करेंगे। अच्छा, पहले मैंने ऊपर का वो बना लिया था तो वीडियो की जो है ना वो कनेक्शन आगे पीछे हो गई है, क्योंकि ये इतना लेंथी काम होता है ना कि आपको जो है ना वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, जैसे बहुत टाइम लगता है तो आप बोर हो जाते हैं, तो इस वजह से मैं फास्ट करा हुआ है ये मैंने बहुत ज़्यादा। और जो है ना फिर मैंने इसमें लगाना बता रही हूँ, मैं थोड़ा सा लगाना बता देती हूँ, बाकी मैं ऑफिस स्क्रीन करती हूँ, ऑफिस स्क्रीन ज़्यादा जो है वो इंसान इजीली होके काम कर सकते हैं, ऑन स्क्रीन में बार बार कैमरे को देखना होता है कि स्क्रीन में आ रहे हैं हम कि नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बाद वक्त मैं स्क्रीन से आउट हो जाती हूँ, तो ये थोड़ा सा वो लगता है कि जैसे बातें हम समझाने के लिए आए हैं और सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा, दिख ही नहीं रहा तो समझ में क्या आएगा फिर। इसी तरह जो है ना मैं इसकी जो है ना ये सारी एडजस्ट कर दूँगी। थोड़ा मुश्किल काम होता है लेकिन यार खुशी होती है, एक आपको लव होना चाहिए क्रिएशन से, तो आप फिर आपको फिर मेहनत दिखाई नहीं देती है। जिस तरह आपको कुकिंग से लव होती है तो जो है ना फिर आपको कुछ मेहनत दिखाई नहीं देती है, आप देखकर इतना खुश होते हैं कि यार ये हमने बनाया है, कितनी खुशी हो रही है हमें। इस तरह आगे के लोगों को दिखाते हैं तो एक खुशी होती है, खुशी से दिखाते हैं कि देखें ये हमने कितनी मेहनत से बनाया है, हमने बनाया है ये हमारी क्रिएशन है, तो एक खुशी होती है, अच्छा लगता है एक ना। तो इसी तरह जो है ना इसमें थोड़ी मेहनत तो होती है लेकिन एक खुशी होती है। और दूसरा ये कि शुरू शुरू में हर चीज़ में मेहनत होती है, आप मेहंदी भी लगा रहे होते हैं तो उसमें भी इतनी थकन हो जाती है, मेहनत लगती है, लेकिन जब आपका हाथ बैठ जाता है ना तो फिर आपको मज़ा आने लग जाता है उस काम के अंदर, और जो है ना बस बहुत मज़ा आने लग जाता है उस काम के अंदर। मुझे तो बहुत ही मज़ा आता है इस काम में, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं सुबह सब काम से फ्री हो के फिर जो है ना मैं इसमें बैठ जाती हूँ, हालांकि सब गुस्सा करते हैं लेकिन मैं कहती हूँ बस यार जहाँ दिल आ जाए वहाँ क्या करे बंदा। अच्छा, मैंने इस तरह से सारे पैचेस तैयार कर दिए थे, पहले भी मैंने सारे तैयार करे थे लेकिन थोड़े कम पड़ गए थे, तो इस वजह से भी मैं इसको दोबारा से तैयार कर रही थी। और यहाँ पर ये मैंने मून जो है ना वो क्रिएशन कर दी थी, मून की आउटलाइन बना दी थी, और उसके ऊपर दोबारा से आप देख लें, इस तरह से आपको जो है ना वो फिर दबका लगाना होता है। हाथ से काम करते हैं ना, हाथ चिप 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 कर रहे होते हैं, फिर ना वो अपने आपके दबके के ऊपर भी आते हैं ना तो फिर वो एक ना एक लेयर से आ जाती है, तो वो अच्छी नहीं लगती, साफ़ सुथरी नहीं लगती, गंदगी सी लगती है एक ना। तो बंदा कोशिश करे कि जो है ना साफ़ सुथरा काम करे, मेरी बहुत ज़्यादा कोशिश होती है, आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे थोड़ा सा गंदा काम लगता है मैं सारी मेहनत को दोबारा से उखेड़ देती हूँ और फिर दोबारा से मेहनत करती हूँ, तो एक ये खुशी होती है, एक अच्छा लगता है, एक मज़ा आता है, एक जो है ना
ये मेरी हाफ था और इसके बाद में जो है ना इसको हमने किस तरह से एडजस्ट करना है, किस तरह से पीने लगानी है, वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में आएगा। क्योंकि मैंने जब सारी वीडियो को लगा के देखा ना तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रही थी। मैंने कहा यार इतनी लेंथी में मुझे अच्छा नहीं लगता बनाना ना, तो इस वजह से मैंने सोच रही थी कि बस बंदा इजी भी काम हो, वक्त पे वक्त से भी काम हो, अच्छा मुझे टाइम और मिल जाएगा थोड़ा सा, तो और जो है ना मैं इजी होके काम कर लूँगी सारा। हार तो मेरा कंप्लीट हो गया था इन माशाल्लाह से, आपको कंप्लीट वीडियो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।